जय हिंद। देखते हैं बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसका एग्जाम डेट फाइनली जारी हो चुका है। अभी सभी को पता है रिजल्ट जो है 26 अप्रैल को जारी हुआ, कल जारी हुआ था, लेकिन उसका स्किल टेस्ट भी डेट का जारी किया गया है 8 जो है मई को होने वाला है, पटना के सेंटर पे होगा। अब सभी लोग आप लोग तैयारी में लगे होंगे और रिजल्ट देख लिए होंगे आप लोग, तो हमें कमेंट भी बताएं कि रिजल्ट किनका हुआ है, ताकि हम उसके आधार पर वीडियो लाएं और आप लोग को ऑनलाइन तैयारी बेहतर से बेहतर कराया जा सके। कहीं भी कोई भी डाउट है, शॉर्ट हैंड का स्पीड नहीं बढ़ रहा है, क्या एक्यूरेसी होगा, है ना, कितने टाइम का होगा, सारे कुछ वीडियो लिया जाएगा आप लोग के लिए। टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सीपीटी क्या होता है, कैसे तैयारी करें, सभी आप लोग को वीडियो लाया जाएगा। चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सभी से अधिक जुड़ सके, है ना, इसके जानकारी ले सके। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप लोग के पास जो भी समय है, 12 दिन का समय बचा हुआ है, है ना, 8 मई को एग्जाम होने वाला है स्किल टेस्ट, 1 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और आप लोग से फीडबैक लेने के लिए, और क्या इशू है, क्या डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग राय देंगे, है ना, जरूर मैसेज करें। और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से नंबर दिया गया है, जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ है ना, सारी कुछ जानकारी वहाँ से मिलता है। अब हम देखेंगे कि जो मेरा स्ट्रेटेजी है शॉर्ट हैंड टाइपिंग और सीपीटी का, जो कि स्किल टेस्ट होने वाला है, स्टेनोग्राफर के बारे में हम बात करेंगे। 12 दिन में हम क्या करें, बहुत मन में डाउट है, तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, है ना, आप लोग जो है पता है कि रिजल्ट देख चुके हैं, आप सभी रिजल्ट देख लिए हैं। देखिए रिजल्ट है, पहले से जारी किया गया है, पता है, है ना, तो आप लोग रिजल्ट अपना देख लेंगे। रिजल्ट देखने में भी कुछ लोग त्रुटि कर रहे हैं, यहाँ आप लोग देखेंगे ध्यान से कि इसमें जो है पीडीएफ जो है ना दोनों पेज में डाला गया है, क्वालिफाई भी है और नॉट क्वालिफाई भी है, तो आप लोग ध्यान से जो है रोल नंबर को सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद मान लीजिए ये 84 नंबर में ये जो रोल नंबर है सर्च हो गया, सर्च होने के बाद ऊपर जरूर आप पेज पे देखिए क्वालिफाई है कि नॉट क्वालिफाई है, क्योंकि इसी पेज में जो है नॉट क्वालिफाई भी पेज डाला गया है ना। आप लोग वीडियो जो है आप प्रोवाइड करा दिया गया है, चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पुनः एक बार रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ है ना, बताया गया है ये सब, तो आप लोग देखकर है ना कंफर्म हो जाए कि रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या गलती से कुछ देख लिए, तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया हमको, ठीक है। अब यहाँ पे अब चीज क्लियर हो गया तो आप समझेंगे कि स्टेनो के बारे में हम तैयारी करें कैसे। तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शॉर्ट हैंड में आप हमें कमेंट करके बताएं कि कोई जो ऐसा कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट हुआ है और वो बिगनर है, मतलब शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जानते हैं, वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद जो है जिनका स्पीड 80-60 अराउंड है या 50 है, या अभी बुक खत्म किए हैं हिंदी के बारे में बता रहे हैं, अभी ऋषि प्रणाली से पढ़ रहे होंगे या जो भी अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग जो भी राइटर के पढ़ रहे हैं, तो उनका कितना स्पीड है अपना जरूर राय विचार करें कमेंट में। यदि इंग्लिश मीडियम में जिनका 50-60 है या पिटमैन बुक अभी खत्म किए हैं तो वो भी हमें बताएं, ताकि उसके अनुसार वीडियो लाया जाए और आप लोग को जो है स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कैसे करा जाए स्किल टेस्ट में और स्पीड कैसे बढ़ाएं, और जो हिंदी में स्पीड है कितना लिया जाएगा, इंग्लिश में कितना लिया जाएगा, इसका वीडियो बहुत जल्द आज ही कुछ समय में उपलब्ध होगा आप लोग का। जैसे ही कमेंट आएगा उसके अनुसार जो है वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, अलग अलग वीडियो, कितना एरर है, कितना मिस्टेक हम करेंगे, ठीक है, कितना स्पीड होगा, टाइपिंग में कितना मार्क्स मिलेगा, शॉर्ट हैंड में कितना मार्क्स मिलेगा, हम तैयारी बेहतर से बेहतर करें कैसे, कम समय में कैसे हम निकालें, तो ये जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग से राय ले रहे हैं। आप लोग का जो भी डाउट है उसे हम समझना चाह रहे हैं कि कितना आप लोग है ना जान रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, उसके अनुसार जो है वीडियो लाएंगे, ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। दूसरा चीज, टाइपिंग में कितना स्पीड है अभी, क्योंकि 12 दिन समय बचा हुआ है, हिंदी में कितना स्पीड है, टाइपिंग में कितना स्पीड है ना, हिंदी का कितने किस फॉन्ट पर लिया जाएगा, वीडियो जरूर उपलब्ध होगा आप लोगों को, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को सूचना मिल जाए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये कोई वीडियो का मकसद ये था कि आप लोग से हमें राय ले रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुरंत ही वीडियो जो है इसके ऊपर हम ला रहे हैं, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कम समय में कैसे हम इसको स्ट्रेटेजी बनाकर, एक रणनीति बनाकर 12 दिन में कंप्लीट प्रोसेस से है ना सिलेक्शन कैसे हम पाए। रिजल्ट हो गया, मेन चीज स्किल है, स्किल में कितना नंबर हमें लाना होगा कि पास हो जाए, है ना, तो मेन स्किल टेस्ट है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, धन्यवाद। तुरंत वीडियो जो है हम अपलोड कर रहे हैं, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं हमें, धन्यवाद, जय हिंद।